नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, एक वैकेंसी आई है DSSSB की, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, जो कि काफ़ी दिन पहले चर्चा में भी थी और अब इसका डिटेल नोटिफिकेशन हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी लोअर डिवीज़न क्लर्क हैं, ये जूनियर असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर है, और आपका लोअर डिवीज़न क्लर्क कम टाइपिस्ट है, स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर असिस्टेंट, इस तरीके से भर्ती है। आप लोग यहाँ पर देखोगे तो आपको एक जो PWD कैंडिडेट है उनको थोड़ा सा खुशी महसूस होगी कि जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसीज आई है हमारी 104 आई है, ठीक है। 1672 का जो है, अगर आप देखेंगे तो लगभग 1600 सोलह सोलह वैकेंसी 80 या 90 के आसपास, सॉरी 70 वैकेंसीज के आसपास ही लगा ले आप बैठ सकती थी, लेकिन 104 थोड़ा सा मन खुश होता है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही स्टेनोग्राफर में 20 वैकेंसीज, ये भी इसका एक्स्ट्रा बैठती है यहाँ पर, तो ठीक है, चलो 10 वैकेंसीज हैं, ठीक है, यहाँ पर लगभग इसका 4%। और यहाँ पर आप आगे देखिएगा, ये भी ठीक है, चलो एक दो तीन वैकेंसीज हैं जो भी, यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की 3 वैकेंसीज हैं PWD कैटेगरी की, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलिए, आगे आपकी डिवीज़न क्लर्क में 4 वैकेंसीज हैं, आगे आपकी असिस्टेंट ग्रेड में 5 वैकेंसीज हैं। अब जैसे ही आप लोग नीचे आओगे, आप लोगों को यहाँ डिटेल नोटिफिकेशन में पोस्ट कोड 68/80 जो दिखेगा, ये आपका जूनियर असिस्टेंट की जो यहाँ पर वैकेंसीज दिखेंगी दोस्तों, देखिए कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी एंड ई। ए में किसको दिया है इन्होंने? ए में दिया है बोथ ब्लाइंड और LV को, यानी कि लो विजन को। बी में दिया है हेयरिंग हैंडीकैप को, और सी में दिया है आपका ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप। और उन्होंने डिटेल्स में लिख दिया है किन किन लोगों को ये लेंगे। OA वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं, वन आर्म, बोथ आर्म वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं, वन लेग वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बोथ लेग वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं, OAL और आपका CPLC, DWAA, ठीक है, अच्छी बात है। चलो यहाँ पर एक नुकसान जो है वो OH कैटेगरी को हो रहा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ लगभग आपकी देखी कितनी वैकेंसीज दिखा रहा था, उस हिसाब से सारी वैकेंसीज किसको दे दी यहाँ पर? बी को, HH कैटेगरी को। HH कैटेगरी को वैकेंसी 47 दे रखी है। अभी हमें बैकलॉग वैकेंसी शामिल है, तो हो सकता है अभी इसकी HH कैटेगरी की वैकेंसीज पहले ना भरी हो, इसलिए इसके इनके विरुद्ध कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो पुरानी वैकेंसीज हैं उनमें सिलेक्टेड ही नहीं हुए होंगे HH कैटेगरी, तभी तो 1% इसका, 1% तो इन लोगों ने दे दिया, जो भी आपको रिजर्वेशन चाहिए उसका 1% दे दिया। इसी तरीके से इसमें लगभग एक्स्ट्रा वैकेंसीज हैं, इसकी भी बैकलॉग वैकेंसीज होंगी जो कि वहाँ पर नहीं दिखाई थी, तो इस तरीके से। लेकिन साथ ही साथ अब इस कैटेगरी में जो OA कैटेगरी है, जो BA कैटेगरी है, जो OAL कैटेगरी है, ठीक है दोस्तों, ये 3 कैटेगरीज हैं। यहाँ पर आप नीचे अब पढ़िएगा जो ज़रूरी है आपको, क्या क्या जरूरी है इसमें। 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बॉडी या इंस्टीट्यूशन, यानी कि 12th पास आप होने चाहिए, प्लस साथ में आपके साथ क्या होने चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी कितनी मांग रहा है देखो, 35 वर्ड पर मिनट दोस्तों, 35 वर्ड पर मिनट तो इंग्लिश में, और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, ये सबसे मेन यहाँ पर है। और तो ये लोग इनके लिए कोई एग्जम्पशन वगैरह का पूरा नोटिस पढ़ लिया है, आप भी एक बार ध्यान से पढ़ लें। मुझे तो कहीं पर कोई नहीं दिखा कि एग्जम्पशन का नीचे कोई इन्होंने फॉर्म दिया है, या फिर इस तरीके से कहीं लिखा हुआ है कि हम हैंडीकैप कैटेगरी को एग्जम्पशन देंगे, क्योंकि टाइपिंग की पोस्ट हैं, सारी टाइपिस्ट की पोस्ट हैं, तो जाहिर सी बात है टाइपिंग जरूरी है और टाइपिंग सभी को देनी पड़ेगी। तो ये लोग तो इसमें कहीं ना कहीं फॉर्म भरने का कोई फ़ायदा ही नहीं, कोई भी ऐसी पोस्ट ही नहीं है जिसमें आप लोगों को टाइपिंग ना देनी हो। आगे चलते हैं, आगे देखिए, दूसरा है सर्विस डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी। स्टेनोग्राफर में आपकी 8 वैकेंसीज देखो, यहाँ पर इन्होंने इसको ही दे दी जो कि VI कैटेगरी है, जो इतना ज़्यादा देख नहीं सकते। 5 वैकेंसीज आपको यहाँ पर कैटेगरी दे दी हेयरिंग हैंडीकैप। अब हेयरिंग हैंडीकैप की तो कभी फुल होगी नहीं ज़्यादा स्टेनो में, क्योंकि उन लोगों को सुनाई नहीं देगा तो डिक्टेशन कहाँ से लिखेंगे, ठीक है। 4 वैकेंसीज यहाँ पर दे दी, 2 वैकेंसीज यहाँ पर दे दी, ठीक है दोस्तों। अब इसकी देखिए, इसकी इससे भी ज़्यादा हार्ड सिचुएशन है, इसमें लोग क्या कर दिया इन्होंने, 40 वर्ड पर मिनट, इन्होंने क्या किया है आपका 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग चाहिए होगी इसमें, और 80 वर्ड पर मिनट की आप लोगों को डिक्टेशन इसमें लिखनी होगी, ठीक है, और 12th पास आप होने चाहिए, ये ज़्यादा इसमें कर दिया। स्पीड काफ़ी अच्छी इसमें टाइपिंग की भी होनी चाहिए। अगली वैकेंसी है लोअर डिवीज़न क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट, ये कम टाइपिस्ट, इसमें वैकेंसी ठीक है, इसमें यहाँ पर 5 वैकेंसीज OH की हैं, और इसमें यहाँ पर आपकी 3 वैकेंसीज हैं,
और दो वैकेंसीज यहाँ पर, इसमें वीआई की थोड़ी वैकेंसीज कम दे दी, और इसमें आपका टाइपिंग स्पीड इसमें भी कितनी चाहिए, इंग्लिश में 35 चाहिए होगी और आपकी हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट लिखी होनी होनी चाहिए होगी, और साथ में लिखा है 30 वर्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू, ये क्या लिखा हुआ है इसके बारे में नहीं पता अभी। ठीक है, आगे चलिएगा। एज जो है वह वैसे तो 18 से 27 नॉर्मल होनी चाहिए, लेकिन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की जो है वह एक्स्ट्रा चल जाएगी इसमें। जूनियर स्टेनोग्राफर में कोई वैकेंसीज नहीं दी उन्होंने। आगे चलिए, आगे जूनियर असिस्टेंट में भी कोई वैकेंसीज नहीं दी। सो जूनियर असिस्टेंट में है, दो वैकेंसीज हैं आपकी, वीआई कैटेगरी और एचएच कैटेगरी। देखिए वीआई और एचएच की काफ़ी अच्छी वैकेंसीज दी हुई हैं, ठीक है। एचएच कैटेगरी को काफ़ी अच्छा और वीआई को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है इसमें। आपका ये क्या था, स्टेनोग्राफर है इसमें, कोई इसमें एक वैकेंसीज है, ठीक है, एक वैकेंसीज है मल्टीपल डिसेबल्ड की, एमडी कैटेगरी की, वही 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, जो आपका स्टेनो में मांगा गया है। जूनियर असिस्टेंट में यहाँ भी देखिए, यहाँ भी इसमें भी सी की कोई, इसकी कोई वैकेंसीज नहीं है, दो वैकेंसीज यहाँ हैं, एक वैकेंसीज यहाँ है, ठीक है, टोटल 3 वैकेंसीज हैं जूनियर असिस्टेंट में भी। तो ओएच कैटेगरी स्किल टेस्ट सैलरी इंडक्शन कंप्यूटर टाइम अलाउड 10 मिनट्स, इसमें आपका किसका है, जूनियर असिस्टेंट का है। प्रोफेंसी इन टाइपिंग टाइप राइटिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड मिनट इन इंग्लिश फिल्टर सेल भी कंडक्ट ऑन कंप्यूटर टाइम अलाउड इन 10 मिनट्स। हाँ ये तो सभी के लिए ही है इसमें। आगे जूनियर असिस्टेंट में यहाँ पर कोई वैकेंसीज नहीं है अभी, जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश में कोई वैकेंसीज नहीं है आपका, जूनियर असिस्टेंट में कोई वैकेंसीज नहीं है। और देख ली नीचे, दिल्ली पॉपुलेशन कंट्रोल कमेटी में कोई वैकेंसीज नहीं है पीडब्ल्यूडी की। यहाँ पर आपकी देखिए, फिर वहीं आपका लोअर डिवीजन क्लर्क में भी देखिए 3 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। ये बैकलॉग वैकेंसीज हैं जिन पर नहीं लिखा हुआ है, ये भी सब बैकलॉग वैकेंसीज है जिन पर स्टार लगे हुए हैं। देखिए वीआई की वैकेंसीज पहले भी नहीं भर रही थी, अभी भी यहाँ पर, और देख लें जो हमने पुरानी वैकेंसीज देखी थी उन पर भी स्टार थे क्या। देखिए ये भी 2 वैकेंसीज हैं जूनियर असिस्टेंट की, ये भी बैकलॉग हैं, सब बैकलॉग वैकेंसीज, क्योंकि इन लोगों की टाइपिंग ही नहीं इनसे होती तो बैकलॉग तो रहेंगी भाई हमेशा, ठीक है। जब टाइपिंग इन लोगों से नहीं होगी ये तो बैकलॉग नहीं है ये तो। हाँ ये भी बैकलॉग है, इसमें बैकलॉग इंक्लूड है, सब बैकलॉग का ही मामला है ज़्यादा, क्योंकि जब इनसे टाइपिंग ही नहीं होगी तो फिर इनको लास्ट में, वही बात है ओएच की इतनी ज़्यादा जाहिर सी बात है, ओएच के कैंडिडेट कट ऑफ इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जाने वाली है, क्योंकि वैकेंसीज नहीं है उन लोगों की, सब बैकलॉग वैकेंसीज आ रही है ज़्यादातर वीआई की और आपकी। ये भी इसमें भी इंक्लूड है, दिल्ली डिवीज़न क्लर्क है, ये लोअर डिवीज़न क्लर्क है, इसमें 3 वैकेंसीज 1 वैकेंसी है। इसमें भी 0 वैकेंसीज हैं आपका जो भी, इसमें असिस्टेंट ग्रेड में है आपकी 1-1 वैकेंसीज इसमें सारों में दी हुई है। असिस्टेंट ग्रेड 1 में है 2, 3, 4, 5 वैकेंसीज हैं तो 1-1 वैकेंसीज में आई हुई है। इंग्लिश में इसमें भी 30 पर मिनट होनी चाहिए। ठीक, काफ़ी अच्छी खासी स्पीड मांगी गई है, फिर स्पीड में ये आगे भी कुछ करके इसमें लिखा गया है, ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा क्या है, KDPH/9000 इतना एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन इन ईच वर्ड, ठीक है। ये वहाँ पर लिखी दिया उन्होंने कि कैटेगरी है तो उसको ब्लाइंडनेस, और बी कैटेगरी जो है वो HH कैटेगरी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैटेगरी है सी, और डी कैटेगरी आपकी है ऑटो। हाँ इसमें सारा कुछ आपका स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी मेंटल इलनेस ही आ जाएगा आपका, ऑटिज्म इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मल्टीपल डिसेबिलिटी, ठीक है, ये सब इसमें आ जाएंगे आपकी। ये कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है ये दिया हुआ है, 7/2024 लास्ट डेट है। ₹100 फीस रहेगी आपकी और पीडब्ल्यूडी की,
एग्जाम टाइम PWD को कोई फीस नहीं देनी, वही उसी की तरह जो SSC में होता है सेम SSC की तरह ही है। आप सिलेबस देख सकते हैं, अब इसका सिलेबस सभी का सेम है, ठीक है, सिलेबस लगभग सभी का सेम है। इसमें पोस्ट कोड सिलेबस में आपके देखिए क्या क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस 35 नंबर का, 35 नंबर की रीजनिंग, 35 नंबर का आपका ये मैथ आएगा, और 35 नंबर की हिंदी, 35 नंबर की इंग्लिश, 25 नंबर का कंप्यूटर आएगा। टोटल 200 नंबर के आपके आएंगे। द क्वेश्चन विल बी बैंग हिंदी और इंग्लिश एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर, ठीक है। जो ये कह रहा है कि आपका जो लैंग्वेज का पेपर है उसको छोड़ करके आपका सारा कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोगों का ये रिलैक्सेशन वगैरह इसमें दिया हुआ है सब कुछ। तो ये था आपका डिटेल सिलेबस। अब आप लोग देख लें किस लोग किन को फॉर्म भरना है, भी टाइपिंग इसमें बहुत ज़रूरी है। सिलेबस भी SSC के जैसा नहीं है, उससे काफ़ी अलग डिफरेंस है। हिंदी भी इसमें पूछी जाएगी, और जबकि वहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश को वेटीज भी ज़्यादा होती है। और जैसे प्री का होता है इसमें कंप्यूटर भी, इसमें प्री में पूछा जाएगा, वहाँ मेंस में भी आपसे कंप्यूटर पूछा जाता है, तो टायर वन में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से, और काफ़ी अच्छी आपकी स्पीड है टाइपिंग की, तो फ़ायदा है आपको इसमें, अन्यथा फिर आपको। और दूसरी बात, इसमें सिर्फ दिल्ली में ही आप लोगों को जॉब मिलेगी, और लेवल 2 की जॉब है ये सभी, ठीक है दोस्तों। आपका जो है CGL में लेवल 4 की जॉब होती है, CGL से कम है, CHSL लेवल की जॉब है, लेवल 2 की जॉब है। तो इस तरीके से आप लोग जो हैं फॉर्म के भरना चाहें तो भर सकते हैं, और बाकी आपकी इच्छा है, जो भी आपको मैंने बता ही दिया है। इसमें कहीं पर भी आप देख लें, मुझे तो नहीं लग रहा इसमें कहीं पर भी टाइपिंग एग्जामिनेशन लिखी हुई है। और हेयरिंग हैंडीकैप वालों को और विजुअल वालों को, स्क्राइब वगैरह का, उन सभी को पता ही होगा, स्क्राइब के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं इस वजह से कुछ बोलना नहीं चाहूँगा उसके ऊपर, ठीक है। ये लिखा हुआ है, इन केस ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी रिलैक्सेशन एज लिमिट शैल बी फर्दर पोस्ट और नॉट प्रोवाइड पोस्ट सूटेबल डिसेबिलिटी को, आपको ही मिल जाएगी, तो पोस्ट उसके बारे में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ भी टाइम रिलैक्सेशन के बारे में लिखा हुआ है, कहीं पर भी टाइपिंग टाइपिंग एग्जामिनेशन मुझे नहीं लगता इसमें कहीं टाइपिंग लिखा हुआ, वहीं पर ही था जो कुछ भी उसके ऊपर, वहीं पर ही लिख करके वो लोग आपको दे देते। तो इस वजह से काफ़ी अच्छी जो है, अगर टाइपिंग स्पीड है आपकी हिंदी और इंग्लिश में जिसमें भी, तो बिल्कुल आप लोग जो हैं इस फॉर्म के लिए फिर एलिजिबल हो जाओगे। देखिए ऐसा नीचे कोई फॉर्मेट भी नहीं दिया, जैसे SSC देता है कि आपका ये फॉर्म, या फिर रेलवे भी नीचे से आपको फॉर्मेट दे देते हैं। आपको एग्जामिनेशन टाइपिंग एग्जामिनेशन का फॉर्म मिल रहा होता है ना, तो वो नहीं है इसके अंदर, ठीक है भाई दोस्तों। ठीक है, बस इस चैनल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही आप लोगों को बताना था, बाकी आप लोग जो हैं इसमें अपना, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।